Hello and welcome, my dear students of 9th standard, once again to my online class of social science. And today it seems a cloudy weather outside. Okay, आज जो लोग obviously आज lecture देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन in case if you are watching this lecture on a later date, तो उनके लिए खास कि today is 16th of October 2020. And it is first day of Navratri, but unfortunately this year we are not going to celebrate it. It's rather very very unfortunate. Okay, but obviously it's all about our own safety. The decisions, certain decisions, certain hard decisions we have to take for our safety, for our family's safety. Okay, and because we are living in a very dangerous situation right now, that's why that sort of situation is there. लेकिन हाँ, हमें online videos के जरिए पढ़ना तो है ही, तो obviously अब हम उसकी बात करेंगे. Chapter number 5 हमारा चल रहा है, ये उसका second lecture है, और chapter number 5 जो कि history का lecture है, chapter है, उसका नाम है A Movement Towards Independence. Okay, in your textbook, the chapter starts actually on page number 31. लेकिन हम लोग actually 32 से start करेंगे, page number 32 से start करेंगे, because this chapter has already been started. Okay, शुरुआत में हमने बहुत interesting चीजें पढ़ा था, Simon Commission के बारे में पढ़ा था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि Simon Commission एक important short note का question. And even in a long question also it can come. Then Nehru Committee, उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी है. Then we also studied about demand for complete independence. That was also important major topic. कि एक point ऐसा आया जब government जो है वो British government they were not supporting us so much. They were not justifying our demands, and therefore ultimately हमने पूर्ण स्वराज की मांग कर ली कि अभी हमें पूरा आजादी चाहिए, पूरे देश में आजादी चाहिए, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए. और उसी का एक पार्ट था दांडी यात्रा, जिसके बारे में आज हमें डिस्कशन करना है. ठीक है, पेज नंबर 32 के ऊपर वो टॉपिक है दांडी यात्रा. यहाँ पे मैंने नीचे एक डेट लिखा है, डेट स्पैन लिखा है एक्चुअली March 12 to April 6, 1930. मींस बिटवीन दोज डेट्स, बिटवीन दैट पीरियड दांडी यात्रा हैपेंड. इट वाज अ काइंड ऑफ अ फिनोमिनल इंसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. एंड बाय द नेम यू माइट हैव नोन बाय नाउ दैट इट वाज लेड बाय महात्मा गांधी. ओके, जो दांडी यात्रा का जो लीडरशिप है वो महात्मा गांधी ने किया था. जैसे ही आप पेज नंबर 32 खोलोगे, आपको आपके सामने एक पिक्चर दिखेगा जिसमें सबसे आगे महात्मा गांधी है. अब इस पिक्चर रियलिस्टिक वाला ही है, मीन्स रियल पिक्चर है ये. ओके, लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके कलर किया गया है. ओके, बट यू कैन सी इट वेरी क्लियर clearly that at the front Gandhiji is there. So he was leading this sort of walking procession, you can say. के लोग चलते हुए अहमदाबाद से दांडी गए थे गांधी जी की लीडरशिप में चलते हुए. ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये. हम लोग घर से निकल के चलते हुए दूध लेने के लिए भी नहीं जाते हैं, उसमें भी हमें कंटाला आता है. तो यहाँ पे तो he walked from Ahmedabad to Gandhinagar, and along with him there were so many supporters, there were so many disciples of Gandhiji also walked along with him. Okay, for that much of distance, it was hundreds of kilometers long, it took them several days. यहाँ पे जो डेट लिखा है 30th of January to 6th of April, तो obviously एक हफ्ता लगा था वहां पे पहुंचने के, 30th of March to 6th of April in fact. ठीक है, तो इतना टाइम लगा था, लगातार उन्होंने चले थे. हाँ, बीच में
जरूर दोपहर के समय और रात के समय उनको आराम करना जरूर होता है, बट अदरवाइज दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन वॉकिंग। अब क्यों ये किया था, क्यों ये आंदोलन करना पड़ा था, इसका बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। सो आवर टॉपिक स्टार्ट्स ऑन पेज नंबर 32 ऑफ टेक्स्ट बुक, दांडी यात्रा फ्रॉम मार्च 12 टू अप्रैल 6 1930। बेसिकली मार्च 12, ठीक है, मार्च 12 टू अप्रैल 6, ओके, डेट तो मैंने बराबर किया। सो इट इज मेंशन ओवर हियर दैट इट टुक देम सेवरल डेज, ओके, टू रीच टू दांडी, अच्छा खासा डिस्टेंस है, ओके। तो डिटेल में पढ़ते हैं। As a part of civil disobedience movement, Gandhiji decided to go to Dandi village by its sea coast to break the salt law. Okay, नमक का कानून, salt law का मतलब होता है। नमक के ऊपर tax लगाया था British government ने। Basically ये कि बहुत ही basic level की commodity है नमक। गरीब से गरीब इंसान अगर होता है तो उसको भी उसके भी घर में नमक होना चाहिए, और वो ऑलरेडी सस्ता भी मिलता है और सस्ता मिलना भी चाहिए क्योंकि समंदर के पानी से हमें वो अवेलेबल होता है। ऐसा नहीं है कि लाइक उसको प्रोड्यूस करने के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता है, इंडस्ट्रीज वगैरह ऐसी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है और उसकी कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है। इट इज अवेलेबल इन अबंडेंस ऑफ अमाउंट और भारी मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन फिर भी ऐसी बेसिक कॉमोडिटी के ऊपर ब्रिटिश सरकार ने टैक्स लगाया था, तो वो सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की गई थी। ओके, यहां पे एक वर्ड मिसिंग है सेंटेंस में, ऑन द डे ऑफ 11th ऑफ मार्च इवनिंग, और एल्स ऑन 11th ऑफ मार्च इवनिंग, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। इन द असेंबली ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल द मैसेज ऑफ सत्याग्रह वाज सेंट, ठीक है, 11 मार्च को सभी लोगों को सत्याग्रही लोगों को इकट्ठा किया गया और उनको एक सत्याग्रह का मैसेज सेंड किया गया कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सत्य के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए उसको सत्य का आग्रह, दैट मीन सत्याग्रह कहा गया है। तो वो मैसेज सबको दिया गया कि ऐसा हम आंदोलन करने वाले हैं, क्या आप इसमें शामिल होना चाहते हैं। ऑब्वियसली बहुत उसको जोरदार सपोर्ट मिला, ओके, और काफी लोग इसमें जुड़ने के लिए तैयार हो गए। इवन इफ पीपल गॉट अरेस्टेड विद फर्म डिटर्मिनेशन ऑफ नॉन वायलेंस, स्ट्रगल अगेंस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू, ओके, गवर्नमेंट ने शायद ऐसा धमकी भी दिया होगा कि ऐसा कोई आंदोलन अगर होगा तो गवर्नमेंट सबको अरेस्ट करेगी, लेकिन इस धमकी के बावजूद भी लोग इसमें जुड़े, ठीक है। एंड ऑन 12th ऑफ मार्च 1930 अंडर हिज लीडरशिप गांधीजी कमेंस्ड दांडी यात्रा विद हिज सपोर्टर्स फ्रॉम हरिजन आश्रम, नाउ गांधी आश्रम, सिंगिंग द हाइम वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, ठीक है, ये गुजराती वर्ड्स हैं कि गवर्नमेंट का जितना भी लाइक वार्निंग था उसके बावजूद भी गांधी जी ने गांधी आश्रम, जिसको पहले हरिजन आश्रम भी कहा जाता था, गांधी आश्रम जो अहमदाबाद में है, शायद आपने देखा होगा आते जाते बाहर से, तो डेफिनेटली देखा होगा, ठीक है। तो वो आश्रम जो थे था वहां पे गांधी जी रहते थे और वहां से उन्होंने ये यात्रा शुरू की और ये भजन गाते हुए यात्रा शुरू की थी। हाइम यानी के भजन होता है, वैष्णव भजन तो तेने रे कहिए जे पीठ पर आई जाने रे, नरसिंह मेहता का लिखा हुआ ये बहुत ही फेमस गुजराती भजन है। नरसिंह मेहता गुजराती ऑथर थे, उसकी कोई ना कोई कविता या भजन आप गुजराती सब्जेक्ट में पढ़े होंगे या तो पढ़ोगे, ओके, लेकिन वो भी बहुत ही फेमस नाम है गुजराती लिटरेचर में। गांधी जी सेड इन दांडी यात्रा, ब्रेव नेवर रन अवे फ्रॉम द स्ट्रगल, द वन हु रन्स बाय सीइंग द स्ट्रगल इज नॉट ब्रेव, ब्रेव यानी बहादुर है, ठीक है, उसका मतलब बहादुर होता है। तो गांधी जी ने ऐसा डिक्लेयर किया कि जो बहादुर लोग होते हैं वो संघर्ष से पीछे नहीं हटते हैं और जो संघर्ष करने से पीछे हट जाते हैं वो बहादुर नहीं। By giving this very very effective message, उन्होंने यात्रा शुरू की। गांधी जी में एक बात खास थी, क्यों हम उनको राष्ट्रपिता के नाम से बुलाते हैं, तो उसका मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रीजन ये था कि
वो जो कुछ भी करते थे उसकी शुरुआत वो खुद करते थे। ऐसा नहीं कि सबको किसी को कुछ डायरेक्शन दिया और उनको कुछ करने के लिए बोला। इट वॉज नॉट लाइक दैट। ही डिड इट बाय हिमसेल्फ। ही लेड बाय द एग्जांपल ऑफ हिमसेल्फ। यहां पे जैसे आप पिक्चर में ही देख सकते हैं कि दांडी यात्रा की शुरुआत जो आंदोलन की शुरुआत की तो उसमें वो एज अ लीडर वो फ्रंट में थे। लीडर जब सबके साथ होता है तो लोगों को भी हौसला रहता है। दैट इज द पॉइंट। उन्होंने अपने लाइक कोई वक्तव्य में या तो कहीं पे भी बुक में कहीं पे ऐसा लिखा है, ठीक है, शायद किसी ने ऐसा सवाल उनको किया होगा कि आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो, व्हाट इज द मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू द पीपल ऑफ इंडिया। दैट वाज प्रोबेबली द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड टू गांधीजी बाय समवन। तो उसका जवाब उन्होंने दिया था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। इतना बोला तो इसमें सब आ गया वैसे देखा जाए। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही सादगी पूर्ण ढंग से जीते थे। मैं बार बार एक चीज आपको बताता हूं कि गांधी जी लाइक बाहर रहते थे पहले। पढ़ाई उनका लंदन में हुआ था। हाँ, उनका ऑब्वियसली बर्थ और अपब्रिंगिंग जो है वो तो इंडिया में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में उनका 1869 में जन्म हुआ था। उसके बाद यहाँ पे पढ़ाई स्कूल लेवल का हुआ था, लेकिन कॉलेज लेवल में डिग्री लेवल का पढ़ाई, लॉ का पढ़ाई उन्होंने लंदन में किया था। एंड देन आफ्टर ही मूव टू साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस लॉ एज अ लॉयर। वहां पे एज अ सक्सेसफुल लॉयर वो प्रैक्टिस कर रहे थे और अंग्रेजों की ओर से बिटर एक्सपीरियंस होने के बाद उनको इंडिया में आना पड़ा। ही अराइव्ड इन इंडिया 1915, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने जो संघर्ष किया वो हमारे सामने है कि सबसे पहले आके उन्होंने जांच पड़ताल की, पूरे देश में भारत भ्रमण किया, उन्होंने देखा सामाजिक व्यवस्था कैसी है। उन्होंने यह देखा कि बहुत सारे गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं इस देश में जिनके पास पहनने का कपड़ा भी नहीं है। पहली बार उनको ऐसा पता चला तो उन्होंने अपने पहनने का कपड़ा जो है वो मिनिमम लेवल पे ला दिया। इतना सादगीपूर्ण ढंग से लाइक हम लोग जानते ही हैं, काफी पिक्चर्स में हम लोगों ने उनको देखा है कि लाइक ऑल सॉर्ट ऑफ फैशनेबल क्लोथ्स। एक आदमी जो पहले सूट बूट पहन के घूमता था, हर रोज लंबे बाल रखता था, ही शेव्ड ऑफ हिज हेड एंड ही प्रिफर्ड टू वेयर ओनली वन पीस क्लोथ ऑफ व्हाइट। ठीक है, व्हाइट कलर का सिर्फ वन पीस क्लोथ वो पहनते थे उस, और ये एक सादगीपूर्ण जीवन का सबसे बढ़िया नमूना है। तभी से उन्होंने शुरुआत की कि जो कुछ भी वो मैसेज देना चाहते थे वो अपने लाइफस्टाइल में वो इन्वॉल्व करते थे। वो चीज ऐसा नहीं है कि कोई लग्जूरियस लाइफ है बहुत बढ़िया तरीके से जीने का और सबको अच्छी अच्छी बातें बोलने का है। इट वॉज नॉट लाइक दैट। वो किसी को उपदेश नहीं देते थे, ओके, लेकिन उनके जीवन को अगर गौर से देखा जाए तो पता चल जाता था कि उनका जीवन ही सबसे बड़ा उपदेश है। सादगीपूर्ण ढंग से जीने का, कपड़े भी नहीं कम से कम पहनने के, हेड जो है वो शेव ऑफ करवा दिया था उन्होंने। इवन घर पे भी नहीं रहते थे, आश्रम में रहते थे अपने अनुयायियों के साथ, और उन्हीं अनुयायियों के साथ उन्होंने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। ओके, सो ये उनका बहुत ही बड़ा मैसेज था, सबको इंस्पायर करने के लिए ऐसा बोला था कि जो संघर्ष से डरते हैं वो बहादुर नहीं होते। संघर्ष करता है वो बहादुर होता है, और जो संघर्ष से डर जाता है वो बहादुर नहीं होता है। अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, सरोजिनी नायडू, महादेव भाई देसाई एक्सेट्रा स्टार्टेड दांडी मार्च। ये कुछ जाने माने लीडर्स के नाम है। दूसरे जिन्होंने गांधी जी का साथ दिया था, जिसने सरोजिनी नायडू, बहुत ही फेमस लाइक लेडी का नाम है सरोजिनी नायडू, में गौसी थी एक्चुअली महाराष्ट्र से थी, सॉरी, एंड शी वॉज काइंड ऑफ वी कैन से दैट शी वॉज द वेरी एजुकेटेड लेडी एज कम्पेयर टू दैट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, ऐसी प्रथम महिला थी भारत की जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स डिग्री किया था, पहली ऐसी महिला थी।
उस जमाने में बहुत बड़ी बात कहलाई जाती थी। तो वो थे गांधी जी के साथ महादेव भाई देसाई, वो भी थे जो कि गुजरात के बहुत ही फेमस पॉलिटिकल लीडर और सोशल वर्कर थे। दूसरा पैराग्राफ, दिस मार्च वॉज 370 किलोमीटर विच इंक्लूडेड असलाली, बारेझा, रडियाद, आनंद, बोरियावी, रास, जम्बूसर, भरूच, सूरत, नवसारी एज वेल एज स्मॉल एंड लार्ज रीजन्स। यहाँ पे काफी सारे शहरों के और टाउन्स के नाम लिखे हैं, लेकिन ये सारे जाने माने शहर और टाउन्स के नाम हैं। बीच बीच में तो काफी सारे गांव भी आए होंगे। ओके, तो ये सारे शहरों से, गांव से और टाउन्स में से वो निकले चलते हुए, और उसके दौरान ड्यूरिंग दांडी मार्च इन दीज रीजन पीपल वर एक्सप्लेन रीजन फॉर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड ब्रेकिंग द सॉर्ट लॉ। लोगों को समझाया गया, जगह जगह पे मीटिंग की जाती थी, सभाएं भरी जाती थी गांव वालों को, क्योंकि अवेयरनेस का लेवल बहुत ही कम था। तो गांधी जी सबको समझाते थे, उनके अनुयायी भी सबको समझाते थे कि फिलहाल हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। ओके, और उनका उनके उसके लिए सबका साथ सरकार होना बहुत ही जरूरी है। ओके, याद रखिए ये चीज, इस पैराग्राफ के सबसे पहले सेंटेंस में ही लिखा है कि दिस यात्रा वॉज 370 किलोमीटर लॉन्ग। तो ऑब्वियसली उसको नॉन स्टॉप पूरी नहीं की जा सकती है, बीच बीच में काफी बार रुके होंगे, काफी गांव आए होंगे, खास करके गांव की अगर बात की जाए तो पीपल वर अनअवेयर ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन इन इंडिया एंड देयरफॉर। वो ऐसा जमाना नहीं था कि आज की तरह टीवी चैनल्स, मीडिया, न्यूज़पेपर्स, मोबाइल फोन, वो सब कुछ भी नहीं था उस वक्त। ओके, इसलिए अवेयरनेस का लेवल काफी कम था। तो ये अवेयरनेस लाने का काम जो है गांधी जी और उनके अनुयायियों ने किया, ठीक है, और ये भी बताया कि ये दांडी यात्रा के लिए हम चलते हुए निकले हैं और नमक का कानून तोड़ना चाहते हैं, यानी कि आपके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। गांधी जी टोल्ड एट भाट मार्च 29, 1930, आई शैल डाई द डेथ ऑफ क्रो एंड डॉग बट आई विल नॉट रिटर्न टू दिस आश्रम विदाउट अटेनिंग पूर्ण स्वराज। भाट नामक एक गांव है, ठीक है, वहां पे जो मीटिंग हुआ था वहां पे उन्होंने लोगों के सामने ऐसा डिक्लेयर किया कि मैं कौओं और कुत्तों की मौत मरूंगा, लेकिन इस आश्रम में, यानी कि हरिजन आश्रम में, गांधी आश्रम में पूर्ण स्वराज लिए बगैर वापिस नहीं आऊंगा। ये उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, ठीक है, कि पूर्ण स्वराज जब तक नहीं मिलता है तब तक मैं आज के बाद अहमदाबाद का जो हरिजन आश्रम है, जिसको आज हम गांधी आश्रम के नाम से जानते हैं, वहां पे मैं कभी नहीं आऊंगा। लिटरली जब तक इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिला तब तक गांधी जी वहां पे नहीं गए थे। सो ही वॉज टोटली अबाइड बाय हिज ओन वर्ड्स ऑल्सो। ये भी बहुत सीखने लायक चीज है कि जो उन्होंने पब्लिकली डिक्लेयर किया था उसी उन वर्ड्स को उन्होंने फॉलो भी किया, वो पाल के भी दिखाया। तो ये बात जो हम लोग कर रहे हैं वो ऑब्वियसली 1930 की बात है। सो टिल 1947 ही डिड नॉट रिटर्न टू हरिजन आश्रम। As Dandi marched past through these small and large towns, people used to clean village roads, decorate their house with torrents and showed conscience for the satyagraha. ठीक है, गांधी जी के अनुयायी जो थे बहुत ही फुर्तीले थे, बहुत ही चुस्त थे और बहुत ही उत्साहित थे। जिस जिस गांव में से वो गुजरते थे वो सबको साफ सफाई का, स्वच्छता का संदेश देते थे कि हमें अगर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना है, ठीक है, तो हमारे आसपास की, हमारे घर की साफ सफाई जो है वो बराबर से रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हमारा तन मन जो है, हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा, और शरीर और दिमाग अगर स्वस्थ रहेगा तो हम सही ढंग से सोच भी पाएंगे और सही ढंग से अगर हम सोच पाएंगे तो हम सही ढंग से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ भी पाएंगे। तो एक सिस्टमैटिक ढंग से जीना बहुत जरूरी होता है। वैसा भी मैसेज गांधी जी के अनुयायी सबको देते थे। ओके, दांडी यात्रा हैड अ वंडरफुल इफेक्ट इन क्रिएटिंग एस्टोनिशिंग फेथ, यूनिटी एंड कॉन्शियसनेस अमॉन्ग पीपल। जो लोगों में जागृति लाने का जो काम, एक पर्पस था, वो बहुत ही बराबर से यहाँ पे सॉल्व हुआ।
भले दांडी यात्रा एक ऐसा इंसिडेंट है जिसके बाद हमें तुरंत तो आजादी नहीं मिला, ऐसा नहीं है कि लाइक, लेकिन फ्रीडम पाने के जो जो स्ट्रगल हम कर रहे थे उसका एक बहुत ही रिमार्केबल लैंडमार्क है। ओके, क्योंकि जो अवेयरनेस लेवल है वो अचानक से लोगों में बढ़ गया। द होल नेशन वॉज एन डेवलपिंग द वे ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का मैसेज पूरे देश में छा गया। ओके, सत्याग्रह जो वर्ड है वो खुद एक बहुत फेमस हो गया, पॉपुलर हो गया। ओके, गांधी जी अलोंग विद हिज कोलीग्स एंड सपोर्टर्स रीच्ड दांडी आफ्टर 24 डेज का एक्चुअली पीरियड है, ठीक है, 24 दिनों की यात्रा के बाद, 24 दिन पैदल चलने के बाद वो दांडी पहुंचे। ओके, दांडी गांव का नाम है, समंदर के किनारे, एक्सट्रीम साउथ गुजरात में, ठीक है, यानी कि यहां से तो बहुत दूर होता है, 317 किलोमीटर अहमदाबाद से होता है। तो वहां पे गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे, शाम का या तो रात का वक्त होगा, और ऑन अर्ली मॉर्निंग ऑफ अप्रैल 6th एट 6:30 AM गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ बाय पिकिंग हैंडफुल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सी कोस्ट, ठीक है, सुबह सुबह यानी कि 6 अप्रैल सुबह 6:30 बजे 6 अप्रैल 1930 को सुबह 6:30 बजे वो उन्होंने प्रतिज्ञा ली, हाथ में नमक ले लिया और उन्होंने वो उठाया और उसका एक रियल पिक्चर हम देख सकते हैं। एज यू कैन सी राइट एट द बॉटम ऑन द लेफ्ट साइड बॉटम ऑफ पेज नंबर 32 कि गांधी जी किस तरह से नमक उठा रहे हैं और उन्होंने लाउड वॉइस में ये डिक्लेयर किया, I have broken the salt law. आज से मैं नमक का कानून तोड़ रहा हूं, ठीक है, एंड while addressing the people gathered there, he uttered. आगे भी उन्होंने बहुत कुछ बोला था, इसमें से एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उनका ये है, I by this event am applying salt to the foundation of a building in the form of British Empire. ठीक है, ये नमक जो है उसको उठा के मैं सिर्फ नमक का कानून नहीं तोड़ रहा हूं, वो तो है ही, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर नामक बिल्डिंग जो बनाया है अंग्रेजों ने, ठीक है, यानी इंडिया के अलावा काफी सारे देश भी काफी देशों को भी उन्होंने गुलाम बनाया था। तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो ब्रिटिश एम्पायर नामक जो बिल्डिंग बनाया था, बहुत बड़ा सा बिल्डिंग अंग्रेजों ने, उसके बेस में मैं नमक डाल रहा हूं, यानी कि कोई भी चीज होती है कोई खास करके बिल्डिंग या कुछ भी, उसके बेस में अगर नमक डाला जाए तो वो कमजोर हो जाता है। तो उसका जो फाउंडेशन है ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडेशन, वहां पे मैं नमक लगा रहा हूं, यानी कि आज से वो कमजोर होगा और धीरे धीरे करके टूट के बिखर जाएगा, ठीक है, ये बहुत ही एक चैलेंजिंग स्टेटमेंट था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। श्री महादेव भाई देसाई हैज कंपेयर्ड दिस इवेंट एज महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण यानी कि पृथ्वी की जो प्रदक्षिणा करते हैं उसको महाविनिष्क्रमण बोलते हैं, इस इवेंट को उन्होंने महाविनिष्क्रमण के साथ कंपेयर किया है, क्योंकि काफी एफर्ट लगता है अहमदाबाद से दांडी चल के आने के लिए और ऐसा नमक का कानून तोड़ने का, ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज करने का, जहां पे ये भी खतरा है कि कभी भी अरेस्ट हो सकते हैं, जेल में जाना पड़ सकता है, बट देन ऑल्सो ही डिड दैट। द ग्रेट रेनन्सिएशन जर्नलिस्ट फोटोग्राफर writers, historians of India and across the world visited and published report about what they witnessed. ठीक है, गांधी जी और उनके अनुयायी वो सब तो गए ही थे, लेकिन इस घटना को इतना सारा कवरेज मिला कि जो सारे दुनिया भर के पत्रकार, फोटोग्राफर, राइटर्स, हिस्टोरियंस, इंडिया के भी और इंडिया के अलावा दूसरे देशों के भी वहां पे आए थे और अपने न्यूज़पेपर्स, बुकलेट्स या मैगजीन्स के लिए ये घटना को उन्होंने कवर किया था। तो ये जो फोटोग्राफ हम यहाँ पे देख रहे हैं वो उन्हीं कुछ फोटोग्राफर्स या तो रिपोर्टर्स जो इकट्ठा हुए थे उनका खींचा हुआ फोटोग्राफ होगा, ये ऐसा हम मान सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई इवन टुडे आफ्टर 90 ईयर्स ऑफ दिस इवेंट द रियल पिक्चर ऑफ दिस इवेंट इज अवेलेबल फॉर अस। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके,
इन दिस वे द दांडी यात्रा विच स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम ऑन 12th ऑफ मार्च वाज नेशनली एक्लेम्ड archived in its achieved its physical completion, but it started applying sod to the foundation of building in the form of British Empire. ठीक है, जैसे कि गांधी जी ने बताया था कि ब्रिटिश एम्पायर नामक बिल्डिंग के फाउंडेशन में मैं नमक डाल रहा हूं, बिल्कुल वैसा ही असर हुआ. ठीक है, लोगों में एकदम उत्साह बढ़ गया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का के अंदर जुनून आ गया, सब लड़ने के लिए तैयार हो गए, पूरे देश में इसका असर हुआ. हालांकि घटना गुजरात में हुई थी, ओके, लेकिन इट वॉज नॉट ओनली अबाउट गुजरात, इट वॉज अबाउट द होल नेशन. और क्योंकि इस घटना को सभी रिपोर्टर्स ने कवर किया था, इसलिए बात फैल भी गई न्यूज़पेपर्स के जरिए खास करके. और कुछ भले नहीं था लेकिन न्यूज़पेपर्स तो थे, तो लोग पढ़ के जागरूक होने लगे कि हाँ यार ऐसा ऐसा हो रहा है, और वो भी फोटोग्राफ्स के साथ हो रहा था. ओके, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ये पार्ट था. सो हम कह सकते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जनरेटेड न्यू नेशनल कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है, एक नए लेवल का कॉन्शियसनेस लोगों में आया इससे. राइट, द ब्रिटिश पुलिस बेट देम मर्सीलेसली. दुख की बात, और लाइक ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से क्या एक्शन हुआ तो उसका अगर हम थोड़ा सा पढ़े तो यहां पे पता चलता है कि इस मूवमेंट को कुचलने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफी अरेस्ट किए, लोगों को पीटा भी सही, ठीक है, लाठी चार्ज वगैरह किया, और कोई भी मर्सी नहीं दिखाया. तो लाठी चार्ज, अरेस्ट, शूटिंग, ऑपरेशन ऑन वेमेन, यहां तक कि लाइक स्त्रियों के ऊपर भी अत्याचार हुए. लाठी चार्ज किए गए, अरेस्ट किए गए, और शूटिंग, गोलियां भी बरसाई उन्होंने, टीयर गैस भी फेंके होंगे उन्होंने. ठीक है, सो ऑपरेशन ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन कंटिन्यू बट एजुकेशन डिड नॉट डिस्पर्स. ओके, जो एजुकेशन था, जो गुस्सा था, जो मूवमेंट थी, वो खत्म नहीं हुआ. इतना अत्याचार उन्होंने किया, उसके बावजूद भी लोगों का उत्साह इतना लेवल का था कि वो जारी रहा, मूवमेंट चलती रही. ड्यूरिंग दांडी मार्च न्यूमेरस कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स लाइक बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स. ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, आपको अंडरलाइन करना है. दांडी मार्च का वैसे देखा जाए तो पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी शॉर्ट नोट बहुत आईएमपी है. ठीक है, लेकिन अगर इसमें से अगर कोई एक छोटा सा क्वेश्चन आए कि व्हाट वर द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स अंडरटेकन ड्यूरिंग दांडी मार्च, ठीक है, तो उसका आंसर ये है. पेज नंबर 33 की पहली दो लाइन है कि कौन कौन से कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स किए गए थे. तो बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स, प्रोहिबिशन ऑफ लिकर, रिमूविंग अनटचेबिलिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, एंड ओथ टू डू सोशल सर्विसेज एक्सेट्रा वर. ठीक है, ये सारे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स हुए थे. उसके अलावा दांडी यात्रा एंड ब्रेकिंग ऑफ सॉर्ट लॉ ब्रॉट नॉट ओनली नेशन वाइड कॉन्शियसनेस बट इट ब्रॉट फेम इन द एस्पेक्ट्स ऑफ नॉन वायलेंट स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स वर्ल्ड वाइड. ठीक है, इसको पॉपुलैरिटी पूरे वर्ल्ड में मिला. सिर्फ इंडिया, गुजरात का इंसिडेंट था, लेकिन पूरे भारत भर में और इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में इसको पॉपुलैरिटी मिला. और जगह जगह पे अगर भारत की बात की जाए तो processions, programs and assemblies were conducted for boycotting foreign goods. At least इतना तो जगह जगह पे हो ही सकता है कि बाहर से आने वाली जो कपड़े, तंबाकू वगैरह, सिगरेट वगैरह, लिकर वगैरह, उसका विरोध करना लोगों ने शुरू कर दिया, पिकेटिंग करना शुरू कर दिया. पिकेटिंग का मतलब ये होता है कि जो कोई दुकान में फॉरेन की चीजें बेची जाती है उसको जब्त कर देना और फिर उसको जला देने का या तो तोड़ देने का, उसको पिकेटिंग बोलते हैं. So, picketing on liquor making, not giving a revenue tax, satyagraha for removal of untouchability, okay? ये सारे programs जो है वो नेशन वाइड होने लगे. To weaken these agitation and struggles, the government started lathi charge, imprisonment and other atrocities. दूसरे भी अन्याय जैसे कि दांडी मार्च के दौरान हुए थे, वही चीज, अरेस्ट, लाठी चार्ज वगैरह, देश के कोने कोने में जहां जहां पे भी आंदोलन हो रहे थे वहां पे सब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा एक्शन लिया. पीपल रिएक्टेड बाय डिस्ट्रॉइंग रेलवे स्टेशन. फिर लोगों ने, फिर भी वो शांत नहीं बैठे, थोड़ा सा हिंसा का यहाँ पे माहौल हो गया.
तोड़ फोड़ की लोगों ने पोस्ट ऑफिस तोड़ डाले, गवर्नमेंट ऑफिस तोड़ डाले, रेलवे स्टेशन को नुकसान किया, पुलिस स्टेशन को नुकसान किया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को नुकसान किया। इंसिडेंट्स लाइक एजुकेशन हेल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ अब्दुल गफार खान, ठीक है, अब्दुल गफार खान नाम के एक बहुत ही महान क्रांतिकारी थे मुस्लिम रिलीजन के, जिनको फ्रंटियर गांधी ऑफ वडाला बॉम्बे कहा जाता था। बॉम्बे के थे वो, लेकिन सरहदी एरिया में रहते थे वो, इसलिए उनको सरहद के गांधी के नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि उनका भी पर्सनालिटी उनके भी कारनामे गांधी जी के जैसे ही थे। ओके, सो ही स्ट्रगल्ड अगेंस्ट फॉरेन लिकर अंडर द लीडरशिप ऑफ कस्तूरबा गांधी इन बॉम्बे, घरासना इन सूरत एंड इन वीरमगाम ड्यूरिंग द साउथ लो एजुकेशन। ये अलग अलग नाम जो है क्रांतिकारियों के नाम तो हम देख ही रहे, किस खान, अब्दुल गफार खान, कस्तूरबा के साथ मिलकर उन्होंने बॉम्बे में स्ट्रगल किया। उसके अलावा घरासना सूरत का एक गांव है, वीरमगाम जो है ठीक है वहां पे, और लाइक बहुत सारी जगहों पे आंदोलन हुए। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने लाइक दे ऑफर्ड द रिनन्सिएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज एज वेल एज द रिमूवल ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स वाज अ मेजर हाईलाइट ऑफ दीस मूवमेंट्स। यानी कि कुछ क्रांतिकारियों ने जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की ऑफिस में काम करते थे, सरकारी नौकरी था उनके पास, वो नौकरी उन्होंने छोड़ दिया। उनके बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते थे, ब्रिटिश स्कूल में पढ़ते थे, वो स्कूलें भी उन्होंने छुड़वा दी, ठीक है, एलसी ले लिया और बच्चों को वो स्कूल से निकलवा दिया और इंडियन स्कूल में दाखिला दिया उन्होंने। सो दीज वर द काइंड ऑफ इफेक्ट्स। अगर आपके बाय चांस अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दांडी यात्रा, कि दांडी यात्रा का क्या असर हुआ था, तो वे उसका आंसर अगर लिखने का आए तो दिस पैराग्राफ शुड बी योर आंसर, द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 33। ओके, दांडी यात्रा की वजह से ऐसा उसका इफेक्ट हुआ, ओके, गवर्नमेंट की ओर से अत्याचार वगैरह हुए, लेकिन फिर भी इसका पूरे विश्व में, पूरे भारत में जगह जगह पे असर हुआ, लोगों ने सपोर्ट किया, लोगों ने ऑफिस वगैरह उसको नुकसान किया, और फॉरेन की जो चीजें थी उसका विरोध किया और उसको जलाया। ये सारे इफेक्ट्स जो है वो हम पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, लेकिन हाँ दो तीन बार पढ़ने से ही याद रहता है। सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ, लेक्चर ले रहा हूँ तो उसका मतलब नहीं, लेक्चर सुन के ही आपको आ जाएगा। जस्ट फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ योर स्टडीज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीड ओवर एंड ओवर। ओके, अब एक नया पॉइंट आता है जो कि एक छोटा सा पॉइंट है जिसको इसी लेक्चर में हम खत्म करेंगे। गांधी अरविंद पैक्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड मोरेटोरियम ऑफ सत्याग्रह। ओके, यहाँ पे एक सुलह वाली बात हम कर रहे हैं, सुलह यानी कि कॉम्प्रोमाइज। गांधी अरविंद पैक्ट यानी कि गांधी और ब्रिटिश ऑफिसर अरविंद, लॉर्ड अरविंद जो थे, गवर्नर जनरल थे उस वक्त, उनके बीच में जो समझौता हुआ उसकी यहाँ पे बात है, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की भी बात यहाँ पे की गई है, ठीक है, और सत्याग्रह को छोड़ने की बात भी उन्होंने रखी थी। गांधी जी वॉज कॉल्ड अपॉन बाय द ब्रिटिशर्स फॉर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड रिफॉर्म्स। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बुलाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से रिफॉर्म्स की जरूरत है, ये चर्चा करने के लिए हम आपको बुला रहे हैं। लंदन में उन्होंने बुलाया था गांधी जी को। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड बट विद द एब्सेंस ऑफ कांग्रेस लीडर्स इट वॉज फ्यूटाइल। ओके, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया लेकिन कांग्रेस के लीडर्स इसमें गए ही नहीं, इसलिए वो नाकाम रहा, फ्यूटाइल यानी कि नाकाम रहना, फेल हो जाना। टू रिकंसाइल विद कांग्रेस अ पैक्ट बिटवीन गांधी जी एंड अरविंद वाज मेड व्हिच वाज नोन एज गांधी अरविंद पैक्ट मार्च 1931, इन विच परमिशन ऑफ रिकलेक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट बाय पर्संस नियर द सी वाज एंड परमिशन ऑफ पीसफुल पिकेटिंग वर द मेन पॉइंट्स। ओके, दूसरा राउंड ये दूसरा जो मीटिंग था इसमें ब्रिटिशर्स और कांग्रेस के बीच में कॉम्प्रोमाइज करने की बात थी, ठीक है, तो उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा रिकमेंडेशन किया कि अगर आपको शांति से रहना है, यानी कि अगर कोई अत्याचार नहीं चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ओके, तो हम ये जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सत्याग्रहियों को हिंसा रोकनी होगी,
और वो मान गए ब्रिटिशर्स इस बात के लिए कि जो सीकॉस के आसपास रहने वाले लोग हैं वो फ्री में नमक वहां से ले सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो नमक का कानून उन्होंने हटा लिया था, और पिकेटिंग का एक्टिविटी जो किया जा रहा है, फॉरेन की चीजें जो जब्त की जा रही है दुकानों में से, ठीक है, वो शांतिपूर्ण ढंग से की जाए। अगर उनको बाल नहीं, सामान नहीं बेचना है या बेचने नहीं देना है तो दैट्स फाइन, लेकिन उसको पिकेटिंग करके जलाने की क्या जरूरत है, डिस्ट्रॉय करने की क्या जरूरत है। ब्रिटिशर्स का ये आग्रह था कि उसको जब्त करके अगर हमें सौंप देंगे तो हम इंग्लैंड में उसको वापस भिजवा देंगे, ठीक है। तो वो भी पॉइंट है। इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी वॉज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कांग्रेस एंड ब्रिटिशर्स हैड डिस्क्रिमिनेटिंग पॉइंट्स फॉर वेरियस रिलीजियस कम्युनिटीज टू विच गांधी जी वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड एंड देयरफॉर द कॉन्फ्रेंस वॉज डिसॉल्व्ड। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो भी फेल हो गया, ठीक है, क्योंकि गांधी जी अकेले गए थे। एक्चुअली अंग्रेजों ने गांधी जी को अकेले को बुलाया था, तो उन्होंने मंजूर नहीं किया कि ऐसे तो नहीं हो सकता है, मेरे साथ कांग्रेस के लीडर्स होंगे, ठीक है, तो जो भी है, लेकिन उन्होंने ऐसा डिस्क्रिमिनेटिंग पॉइंट्स रखे कि लाइक अलग अलग धर्मों की अलग अलग कमेटियां बनाई जाए और उन सभी कमेटियों को बुलाया जाए, ऐसा कॉम्प्लिकेशन ब्रिटिशर्स ने खड़ा किया जिसके बारे में गांधी जी सहमत नहीं थे। तो ऑब्वियसली वो मीटिंग में नहीं गए और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी इस तरह से फेल हो गया, ठीक है। सो दैट इज इट, यहाँ पे गांधी अरविंद पैक के बारे में भी डिस्कशन जो है वो खत्म होता है। अब इसके बाद एक बहुत बड़ी मूवमेंट हुई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि काफी सारा काफी अच्छा खासा लंबा टॉपिक है क्विट इंडिया मूवमेंट, लेकिन उसको हम थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे। वी विल स्टडी अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट इन द थर्ड लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे मेरा लेक्चर मैं खत्म करता हूँ। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड दैट्स इट फॉर नाउ। बाय बाय।